हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह हो रही है और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अभी तक स्कूल के लिए रेडी क्यों नहीं हुई। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि गर्मी का मौसम चल रहा है और अभी गर्मी भी बढ़ रही है, इसलिए स्कूल 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। और अगर गर्मी और भी बढ़ेगी तो स्कूल और भी बंद रहेगा, नहीं तो हम फिर से स्कूल जाएंगे। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम कहीं जाने वाले हैं, मतलब एक रिसेप्शन में जाएंगे हम। रिसेप्शन पार्टी है, एक आंटी का मैरिज था तो उनका रिसेप्शन है। और हमने तो ये सोचा नहीं कि हम क्या पहनेंगे, कैसे रेडी होंगे, वो आप लोगों को आगे देखने को मिल जाएगा। और उन आंटी का शादी कल था, उन्होंने हमें बुलाया था, तो मम्मी मतलब ट्यूसडे को उनकी शादी थी, तो मम्मी का ट्यूसडे को पूजा रहता है, मम्मी का व्रत रहता है, इसलिए मम्मी ने मना किया। और मेरे पापा को बोले कि मेरा तो व्रत रहेगा, इसलिए मैं इतनी धूप में तो नहीं जा पाऊँगी, मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, इसलिए तुम दोनों जाओ। तो पापा ने बोला कि नहीं, अगर जाएंगे तो सब मिलके जाएंगे, अकेले नहीं। तो मम्मी ने उन आंटी को सॉरी बोल दिया और बोला कि हम नहीं जा सकते। तो उन आंटी ने बोला कि अच्छा ठीक है, अगर ट्यूसडे को नहीं हो सकता तो वेडनेसडे को आओ, वेडनेसडे को हमारा रिसेप्शन है। तो मम्मी ने हाँ बोल दिया और हम लोग आज जाने वाले हैं। तो मुझे आप लोगों से कुछ पूछना था, मतलब आप लोग ही बोलिए, क्या पूजा करना गलत है? अगर गलत है तो डिसलाइक दीजिएगा, और अगर सही है तो लाइक दीजिएगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं वैसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पूजा पाठ से प्रॉब्लम होती है और वो ताने मारते हैं कि तुम लोग पूजा करते हो, पूजा पाठ क्यों करते हो, ऐसे करके। जो पूजा पाठ नहीं करते वो लोग सोचते हैं कि भगवान को तो हमने नहीं देखा तो हम क्यों पूजा पाठ करें उन्हें। तो हमने भी भगवान को नहीं देखा है, लेकिन हमारे मन में एक भरोसा है कि हाँ भगवान है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोग जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, शायद वो चाहते होंगे कि हम भी उनकी तरह पूजा पाठ करना छोड़ दें, भगवान को छोड़ दें, उनकी पूजा करना छोड़ दें। आप लोगों को तो ये ज़रूर पता होगा कि हर रिलीजन के लोग अपने भगवान को अपने ढंग से, अपने तरीके से पूजा करते हैं, वैसे हम भी करते हैं। लेकिन ये उनकी मर्ज़ी, वो पूजा पाठ करें या ना करें, उनकी मर्ज़ी, हम उनकी लाइफ में दखल अंदाजगी नहीं करना चाहते हैं। जिसकी जैसी परवरिश वो वैसे ही बातें करता है, जैसे ताना मारता है। भगवान ने हमें इंसान बनाया है, जानवर नहीं। जानवर देख लो, आप डॉग को ही देख लो कि वो बस सोता है, खाता है और बिना रीज़न के भौंकने लगता है, जब देखो भौंकते ही रहते हैं वो। और अगर हम भी उसी तरह चिल्लाने लगे तो हम में और जानवरों में क्या फ़र्क है? जानवर हो या इंसान, सभी में अच्छाई होती है, बुराई भी होती है। जैसे कि मुझ में अच्छाई भी है और बुराई भी है। जैसे कि मेरी आँखों को देख लो, मैं टेढ़ी हूँ, और इससे भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। मेरे मम्मी पापा को तो प्रॉब्लम नहीं होती, पता नहीं दूसरों को क्यों प्रॉब्लम होती है। वो लोग बोलते हैं कि तू टेढ़ी है। हाँ मैं टेढ़ी हूँ, मुझको भगवान ने जैसा बनाया मैं खुश हूँ। और वो लोग शायद सोचते हैं कि हम बहुत खूबसूरत होंगे, वो लोग खूबसूरत होंगे, मतलब वो लोग मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड को भी फेल मार देंगे, इतने खूबसूरत होंगे वो। हाँ मैं बदसूरत हूँ, मैं टेरी हूँ, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे भगवान ने ऐसा बनाया है, मैं उसी से खुश हूँ। अच्छा तो ठीक है, और ज़्यादा बात नहीं करते हैं, मैं आप लोगों को डायरेक्ट फ्रेश होने के बाद मिलती हूँ। तो मैं नहा धो के आ चुकी और मैं अभी थोड़ा कपड़े सुखा लूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो मुझे आप लोगों को दिखाना है, नेल आर्ट मैंने अपनी मम्मी के पैर में किया हुआ है। और मैं तो अपने नाखून नहीं रख सकती क्योंकि वो गंदे हो जाएंगे, और मैं नेल पॉलिश भी नहीं लगा सकती, नेल डिज़ाइन नहीं कर सकती क्योंकि हमारे स्कूल में वो अलाउड नहीं है, और मुझको अच्छे भी नहीं लगते हैं, कभी कभार लगा लेती हूँ। और मैंने अपनी मम्मी के पैर में किया हुआ है,
जो कोई भी नेल आर्ट करता है उनको तो पता होगा कैसे डिज़ाइन किया जाता है, मैं उन्हें देख के करती हूँ। और मैं मम्मी के हाथ में क्यों नहीं करती, आप लोग सोचते होंगे, क्योंकि मेरी मम्मी पहले नाखून रखा करती थी। जब से मेरी छोटी बहन हुई है और उसको मसाज करना होता है, तो अगर मम्मी बड़े नाखून रखेगी तो उसको लग जाएगा, इसलिए मम्मी हाथ में नाखून नहीं रखती है बड़े बड़े। अगर मेरी बहन बड़ी हो जाएगी, जब बड़ी हो जाएगी शायद तब मम्मी रखेगी, इसलिए मैं अपनी मम्मी के पैर में क्यों। चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए कैसा बना है, कमेंट करके ज़रूर बताना, नहीं तो लाइक ही कर देना अगर कमेंट सेक्शन बंद होगा तो। तो मैं अभी अपनी छोटी बहन को नहलाने वाली हूँ। वैसे तो मम्मी हमेशा नहलाती है, लेकिन आज मैं घर में हूँ तो आज मैं नहलाऊँगी। तो मैं अपनी छोटी बहन को नहलाऊंगी, उससे पहले मैं उसका बैग रेडी कर दूँ, क्योंकि हम तो रिसेप्शन में जाएंगे तो उसके लिए उसके सामान तो लेना ज़रूरी है। छोटे बच्चों के तो सामान लेना ज़रूरी ही होता है, नहीं लोगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए मैं पहले उसका बैग पैक कर देती हूँ, फिर उसको नहलाऊंगी, उससे रेडी करूँगी, फिर हम रेडी होंगे और उसके खाने बाद में रखे जाएंगे। तो ये उसका अलग से बैग है, इसमें उसके सारे सामान जाता है। तो वो टॉयलेट पोटी तो करेगी, इसलिए डायपर की तो ज़रूरत होगी, तो ये ले लेते हैं 2 ठो। और एक भी ले लेते हैं, ये उसका डायपर है। हाँ, ये पेपर्स है उसके, खाना खाने के लिए और चेंज करने के लिए तो चाहिए। और और एक पैर ड्रेस भी पकड़ लेंगे हम। ये उसका पानी अभी के लिए रख देता है, अगर जरूरत होगा तो निकाला जाएगा। बाकी के सामान बाद में रखे जाएंगे। तो मैंने तो बैग पैक कर दिया, लेकिन जब उसको नहलाने की बारी आई तो वो बोल रही है कि वो पोटी कर रही है, इसलिए वो पोटी करने के बाद, साफ करने के बाद उसे मैं नहलाऊंगी। तो अभी अभी मेरे जहाँ से मैं ऑनलाइन डांस सीखती हूँ वहाँ से मैसेज आया है कि मैंने अपनी क्लासिकल डांस का लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है। तो उसका सर्टिफिकेट आया है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैं बहुत ही खुश हूँ, उस एकेडमी से मैसेज आया है। चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये ऑनलाइन सर्टिफिकेट आया है, सर ने बोला है कि इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेने के लिए। ये देखिए, मैं बहुत ही खुश हूँ आज, मैं बहुत खुश हूँ। तो अब हम निकलेंगे, मैं रेडी हो चुकी हूँ, मम्मी रेडी हो रही है, और ये मेरा पर्स है। और आप लोगों ने तो देखा ही होगा मैंने अपनी बहन का बैग पैक किया, वो तो आप लोगों ने देख ली होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि आज ओडिशा स्ट्राइक में है, मतलब ये स्टेट स्ट्राइक पे है, तो कोई भी गाड़ी मोटर नहीं चल रहा है। बाइक स्कूटी सब चल रहा है, लेकिन कार फार फोर व्हीलर वाले नहीं चल रहा है, ट्रक सब नहीं चल रहा है, बस एम्बुलेंस ही एक चल रहा है इमरजेंसी के लिए। तो पता नहीं हम गाड़ी में कैसे जाएंगे, लाइफ में तो रिस्क उठाना ही पड़ता है, और इतनी धूप में तो हमें जाना है गाड़ी में। तो हम जब निकलेंगे तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो अब हम निकल रहे हैं और बहुत धूप है, स्कूटी में जाएंगे क्योंकि 4 व्हीलर तो अलाउ नहीं है, इसलिए 2 व्हीलर में ही जाएंगे। तो बने रहो मेरे व्लॉग के साथ आगे देखने के लिए। तो बहुत ही ढूंढने के बाद आखिरकार हमें मिल ही गया। चढ़ाओ बाबा, बुल को पकड़ो, अंदर लेके जाओ। Yeah.
मामा को धोके चले जाते हैं। इधर आओ, मैंने लंच कर लिया है, बहुत टेस्टी था बिरयानी, दाल, सैलड और बहुत कुछ थे। चिल्ली चिकन था, वो तो मस्त, बहुत ही मस्त था। तो इतनी कड़कती धूप में गए और इतनी कड़कती धूप में हम आए, ऐसा लग रहा था कि हमारा तो फ्राई ही बन गया है, हमारा तो पेशेंस ही नहीं रहा। लेकिन पार्टी में जाके अच्छा लगा, बहुत मस्त वाला खाना बना था, चिकन बना था। और लेकिन वहाँ से आने के बाद जो बुरा लगा, मेरी मम्मी तो बेहोश होने वाली थी, गाड़ी में जितना पानी था वहाँ से जो लाए थे, और वो पानी तो उबलता हुआ पानी बन गया था, इतना गर्म था। और मार्केट से तो पानी खरीद सकते हैं नहीं, क्योंकि तो मार्केट तो बंद रहेगा। ये जो पानी लाए थे वो मम्मी ने पी लिया और अपने ऊपर डाल दिया, क्योंकि मम्मी को चक्कर आ रहे थे। फिर यहाँ घर पहुँचने के बाद मम्मी तो बेहोशी हो जाने वाली थी, आके फैन के नीचे लेटने के बाद हाथ पैर पूरा धो लिया, फिर लेटने के बाद थोड़ा आराम लगा, और फिर सर्दी हो या बुखार हो हमने थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी लिया और अभी अच्छा लग रहा है। लेकिन आज तो मेरे लिए कोई रेस्ट नाम की चीज़ ही नहीं है, क्योंकि मुझको अब कराटे जाना है जो कि 2 घंटे का होता है, फिर वहाँ से ट्यूशन। अरे मैं तो भूल गई आप लोगों को ट्यूशन के बारे में बोलना, एक मस्त वाला ट्यूशन मिला है, वो मैडम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, 2-3 दिन ही हुए हैं मुझे गए हुए, अच्छा पढ़ाते हैं वो। और जबकि ये भी ट्यूशन 2 घंटे का, कराटे से आते आते ट्यूशन भागो, मतलब 8:30 बन जाएगी। उसके बाद आके थोड़ा रेस्ट लूँगी, खा पी के सो, डिनर में क्या खाऊँ, अब वेज खाऊँ या नॉन वेज, और नॉन वेज से स्टार्ट किया तो नॉन वेज पे ही ख़त्म करता है। लेकिन मैं नहीं मांग रही, ठीक है, मेरा ये पेट मांग रहा है, फिर भी उसे मैं समझाऊंगी कि वेज खाने के लिए देखते हैं क्या होता है रात को। तो अभी तो मैं कराटे क्लास जाऊंगी,
तो मैम मिलती हूँ आप लोगों को डायरेक्ट ट्यूशन से आने के बाद। खाई दो खाई दो खाई दो खाई दो।